तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि फिलहाल दुनिया भर के देश फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि सिक्स जनरेशन के फाइटर जेटों को निर्माण कर रहे हैं। बेसिकली इन देशों में अगर देखा जाए तो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों का जहां पर जिक्र होता है, तो यूरोप में भी इसी तरह के दो गुट हैं जो कि सिक्स जनरेशन फाइटर जेटों का डेवलप करने वाले हैं। ऐसे में अगर भारत को देखा जाए तो भारत फिलहाल अपने AMCA फाइटर जेटों को डेवलप करने के लिए बेस्ट है, जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। और ऐसे में यहाँ पर आप मानकर चलिए कि ये 5.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि सिक्स जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्टों की पहुँच ज्यादा दूर भारत से अब नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया गया है कि यूरोप के देशों के द्वारा अपने सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के अंदर भारत को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और इन देशों के द्वारा लगातार भारत से संपर्क किया जा रहा है, जिससे कि ये देश अपने सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर भारत को जोड़ सके। और फिर से एक बार इसी तरह की खबर मीडिया के अंदर आ चुकी है, जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि शायद भारत के सामने BAE सिस्टम के द्वारा निर्माण किया जाने वाला सिक्स जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में जुड़ने का एक और बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा गया है। अब दोस्तों, यूरोप के अंदर सिक्स जनरेशन के फाइटर जेटों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसी के तहत ब्रिटेन के नेतृत्व में पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसमें ब्रिटेन के साथ इटली और जापान भी शामिल है, और इससे ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट फ्रांस और जर्मनी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसे कि फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का नाम दिया जा रहा है। और दोस्तों, साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की तरफ से जब इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट पार्टनर की तैयार की जा रही थी, तब ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि कभी भी कोई फॉर्मल ऑफर के बारे में पब्लिकली जानकारी यहां पर नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया के अंदर कई बार इन बातों को जिक्र किया गया है। और दोस्तों, अब आपको बता दें कि फिर से एक बार इसी चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है, और खबर यहां पर कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन अपने इस फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में और भी पार्टनर्स का तलाश कर रहा है, जिसमें शायद ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ने के लेकर प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल ये जो ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसके अंतर्गत फाइटर जेटों के डेवलपमेंट को संपूर्ण करने को लेकर यहां पर साल 2035 तक एक सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर तैयार किया जाएगा, और बताया ये तक जा रहा है कि इसी फाइटर जेट को 2035 में पहली फ्लाइट को कंडक्ट कराया जाएगा। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि भारत का जो AMCA होगा उससे थोड़ा सा ही पहले भारत की वायुसेना में शामिल होगा, यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि जब भारत को 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में ऐड करने को लेकर कहा जा रहा होगा, उसी समय सिक्स जनरेशन का फाइटर जेट यूरोप और जापान की तरफ से बनाकर तैयार किया गया होगा। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि खाली ब्रिटेन ही नहीं बल्कि जापान और इटली भी चाहता है कि भारत इस फाइटर जेट के प्रोग्राम में शामिल हो, क्योंकि भारत अगर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जुड़ता है तो ओवरऑल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी काफी घट सकती है, और ऐसे में चारों देशों के ऊपर जो बड़ा दबाव यहां पर कॉस्ट को लेकर पड़ेगा वो फिर बराबर में बढ़ जाएगा, और ऐसे में इतना ज्यादा दबाव बनकर नहीं आएगा। माना यह जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट की जो टोटल कॉस्ट मानी जा रही है वो करीब 35 से 36 बिलियन डॉलर के आसपास मानी जा रही है, और ऐसे में आप मानकर चलिए कि जब इसी को चार भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो भारत के साथ ही अन्य देशों के ऊपर भी काफी कम वजन आएगा, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्टों की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि भारत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण भारत के द्वारा किसी भी चीज को अगर ओवरऑल प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी कॉस्ट कम होती है, और वहीं भारत के द्वारा इस तरीके के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे में अगर बल्क प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है तो आप मानकर चल सकते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर काफी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो चार अलग अलग देशों की तरफ से इसमें काम किया जाएगा, और आप मानकर चल सकते हैं कि जब तीन देशों की तरफ से काम किया था तो वहां पर भारत का जो एक्सपर्टाइजेशन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूज होगा तो यहां पर आपको एक अलग ही तरह का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रॉल्स रॉयस कंपनी भी काम कर रही है, जिसकी तरफ से भारत को इंजन का ऑफर दिया गया है, और ऐसे में रॉल्स रॉयस की तरफ से इसके अलावा भी भारत के AMCA प्रोजेक्ट में काम करने का इरादा जताया जा रहा है, और ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉल्स रॉयस की तरफ से भारत के AMCA Mark II एयरक्राफ्टों को पावर्ड
करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों को डेवलप करने को लेकर ऑफर रखा गया है। और एक तरीके से अगर रॉयल्स रॉयस के इस प्रस्ताव को इन एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जोड़ने को लेकर देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। और ऐसे में फिलहाल जो पिछली खबरों को देखा जाए तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ने को लेकर भारत की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया है और इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं जुड़ेगा और भारत अपनी AMCA के ऊपर पूरा फोकस लगाकर बैठा है और जल्द से जल्द भारत चाहेगा कि अपनी AMCA को बनाकर तैयार करे और अपनी वायुसेना में इनबिल्ट करा ले। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि भारत का जो प्राइम फोकस है वो AMCA के ऊपर बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि AMCA को बनाने के बाद में यहां पर कोई डाउट नहीं है कि भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने पर काम करेगा और शायद इन्हीं कारणों की वजह से AMCA एयरक्राफ्टों को एज ए 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के तहत ही 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के साथ ही बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत को आने वाले समय में यानी कि 40 से 42 की टाइम के बाद में 6th जनरेशन के फाइटर जेटों की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों अगर इन भारत की आवश्यकताओं को देखा जाए तो यहां पर मानना यही होगा कि भारत को अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट में जुड़ने का मौका मिलता है तो भारत को यहाँ पर जुड़ना चाहिए। और भारत अगर इसमें जुड़ जाता है तो दो चीजें यहाँ पर बहुत ही कॉमन होने वाली है जो कि हमेशा भारत के फेवर में रहेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि भारत के इंजीनियर्स को यहाँ पर और भी ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, साथ ही भारत इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम करेगा तो भारत के इंजीनियर्स इस इंजन की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे और अपने स्वदेशी इंजन को बनाने पर इसको फोकस कर पाएंगे। और साथ ही अगर भारत मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे IP राइट्स के ऊपर काम करता है तो आप मानकर चलिए कि भारत इसी फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत भी बना सकता है। और आपको बता दें कि भारत को अब इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जिससे कि भारत इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ता है और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों की जो कीमत है वो काफी कम हो सकती है और कम होने के साथ ही आप समझ सकते हैं कि यहां पर भारत अपनी 6th जनरेशन की एयरक्राफ्टों की जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। और दोस्तों वैसे भी हमारा मानना यही है कि भारत अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो कि AMCA मार्क 1 और मार्क 2 को बनाकर तैयार कर रहा है उसको अपनी वायुसेना के अंदर करीब 2033 से 35 तक जोड़ता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद में भारत कहीं न कहीं अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। अब यहां पर देखना यह होगा कि भारत अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर बनाने पर काम स्टार्ट करता है तो वहां पर भारत को एक लंबा समय इस पर काम करते हुए लगेगा और वहां पर आप समझ सकते हैं कि भारत इतने बड़े समय के बाद वहां पर 6th जनरेशन फाइटर जेट को बना पाएगा और उसमें भी ये संशय हमेशा बना रहेगा कि वो फाइटर जेट कितना कैपेबल होगा। लेकिन अगर आप मानकर चलिए कि इस तरीके के प्रोजेक्ट में भारत यहाँ पर ऐड हो जाता है और भारत को यहाँ पर हर तरह से सपोर्ट दूसरे देशों का मिलता है, साथ ही भारत भी अपनी टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा विकसित इस प्रोजेक्ट के तहत करता है और साथ ही यहाँ पर भारत को एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट बैठे बैठाए मिल जाता है तो आप मानकर चलिए कि ये फायदे वाली बात है और भारत को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जुड़ना चाहिए। लेकिन आपको कि यहाँ पर विशेषज्ञों की राय दोनों तरफ जाती है। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि भारत को अपने AMCA के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए और जिस तरीके से अभी AMCA फाइटर जेट डिले चल रहा है उसको एक ट्रैक पर लाना चाहिए जिससे कि भारत अपने AMCA फाइटर जेट को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करे और इसी के चलते भारत अपने AMCA फाइटर जेट को जल्द से जल्द वायुसेना में शामिल कराए। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत को 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर जुड़ना चाहिए और ऐसे में भारत इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ जाता है तो भारत को एक 6th जनरेशन फाइटर जेट 2040 तक तो मिल ही जाएगा और तब जाकर भारत अपना खुद का भी एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के ऊपर काम कर सकता है और ये दोनों ही तरह से भारत के फेवर में होगा, क्योंकि भारत जहां पहले से ही एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा होगा तो वहीं भारत आने वाले समय में 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम भी कर रहा होगा। और ऐसे में आप सच मानिए कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी से पहले से ही अवगत करार पाना काफी बड़ी बात होती है और इसके चलते भारत बहुत ही तेजी से अपनी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को ऊपर काम कर पाएगा। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या मानना है कि भारत को यहाँ पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए या फिर भारत को केवल और केवल अभी अपने AMCA फाइटर जेट के ऊपर फोकस करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।